तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं डिमैग सेल 2 में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं इंडिपेंडेंट हाउस, जिसको बोलते हैं टाउन हाउसेज यहाँ पे, और ये ऐसे रहेगी कुछ बिल्डिंग। और हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए हमारे साथ सनु जी हैं। हाय सनु जी। हाय। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या क्या है डिमैग हिल्स में, और कितने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, और कितना प्यारा खूबसूरत ये बना हुआ है, कितने रूम्स मिल रहे हैं अंदर। सो माय फ्रेंड्स, द थिंग इज कि डिमैग हिल्स 2 इज अ वेरी डेवलप्ड कम्युनिटी, और यहाँ पे कुछ भी मिलना, फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल अवेलेबिलिटी के बहुत इश्यूज हो गए हैं। सो अभी हमारे पास में करंटली अविंसिया, जो नेक्स्ट क्लस्टर है डिमैग हिल्स 2 का, वो डिलीवर होने वाला है आने वाली मार्च में, जिसका ये एक शो विला है। और जो एंट्री है, इसकी एंट्री पे ही 2 पार्किंग्स, यू कैन सी, 2 गाड़ियों की पार्किंग है यहाँ पे, और ये एक कॉर्नर यूनिट है। तो इसकी जो एंट्री है वो साइड से है, पाथवे है जो डायरेक्टली बैकयार्ड में भी जा रहा है, और लेफ्ट में हमारे घर की एंट्री भी है। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ब्रांड न्यू क्लस्टर है जो डिमैग हिल्स 2 अभी डिलीवर करने वाला है मार्च में। तो जो करंट अपडेटेड फर्निशिंग्स एंड फिनिशिंग्स है, वो इस वाले क्लस्टर में, इन टाउन हाउसेज में आपको मिलेंगी। राइट फ्रेंड्स, ये एंट्री है हमारी। एंट्री में एंटर करते ही ऑन द राइट साइड यू कैन से देयर इज एन एल शेप्ड ओपन किचन। यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम फिनिशिंग, ग्रे मटेरियल ऑफ डोर्स, वुडन फिनिशिंग ऑन द आउटर, सेमी वुडन इन द इंटरनल एरिया, ब्यूटिफुल मार्बल यूज फॉर किचन एरिया, बहुत ही सुंदर वुडवर्क है। एंड यू कैन सी दिस इज द लिविंग एंड डाइनिंग रूम टूगेदर, और पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू कैन सी अ ब्यूटिफुल बैकयार्ड, और बैकयार्ड के बिल्कुल ऑपोजिट में कनेक्टेड है सारी अमिनिटीज से। तो जो क्रिस्टल लगून है डिमैग हिल्स 2 का, लगून इज द बेस्ट पार्ट जो आपको बहुत ही कम कम्युनिटीज में मिलता है। सारा पार्क से कनेक्टेड है, द व्यू इज ऑफ वेरी लो राइज बिल्डिंग्स, तो बड़ी काम और एकदम शांति से भरी हुई ये सोसाइटी है। इसके अंदर एक स्पेशल फीचर ये है कि इसमें एक ओपन एरिया, चिलिंग एरिया भी दिया है इस वाले क्लस्टर में, विच यू कैन सी कि आप इसको चिलिंग एरिया बना सकते हैं, आप इसको यहाँ पे अपना छोटा सा एक प्लांटेशन या गार्डन बना सकते हैं, सिर्फ प्लांट्स रख सकते हैं। एनी क्रिएटिव आइडियाज, आजकल आप लोगों के पास हमसे ज्यादा अच्छे आइडियाज हैं। एंड ऑन द सेम फ्लोर आप देखते हैं कि यहाँ पे एक पाउडर रूम है, और पाउडर रूम विद वॉशरूम है। इट्स इन बेस्ट पार्ट कि आपके जो गेस्ट आते हैं, इट इज इंटरनली कनेक्टेड, इधर से भी डोर है और इस रूम के अंदर से भी डोर है इसका। सेम टाइम पे यहाँ पे मेड्स रूम दिया है, आपके जो हाउस वर्कर रहेंगे उनके लिए भी जगह चाहिए होती है, तो उनके लिए भी एक बहुत सुंदर छोटा सा वॉशरूम है ये, और एक सिंगल बेड या सेमी डबल बेड के लिए जगह है यहाँ पे, जहाँ पे आपके हाउस हेल्प्स ले सकते हैं, उनके लिए स्टोरेज एरिया और कैबिनेट्स अलग से दिए गए हैं। राइट, फर्स्ट फ्लोर पे जो है 3 बेडरूम्स हैं ऊपर, जो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल फर्निशिंग, कितना अच्छा स्टील यूज हुआ है, एंड इसकी फसाद और फिटआउट्स कितने परफेक्टली डिमैग ने डिलीवर की हैं, बिकॉज डिमैग इज नोन फॉर द क्वालिटी। और आप ये देख सकते हैं कि आपको एक हर चीज में परफेक्शन फील हो रही होगी, इवन दो अगर आप टाइल्स देखेंगे तो कितनी अच्छी तरीके से ग्रास रूटेड है, एक एक टाइल पे डिमैग क्वालिटी पे काम करता है। ऊपर हम लोग जैसे एंटर करते हैं तो इट इज लाइक कि पासवे है ये, और बिल्कुल सामने किड्स रूम है, ब्यूटिफुल फॉर स्मॉल किड्स अंडर 10 to 12। कनेक्टेड विद बालकनी, नीचे 2 बेडरूम है, ऊपर 2 बेडरूम। नीचे सर 1 बेडरूम है, जो दूसरा था वो मेड्स रूम था, और ऊपर 3 बेडरूम्स है। ये एक और एक बेडरूम है यहाँ पे, अगेन कनेक्टेड विद द बालकनी। वेरी स्पेशियस वॉशरूम यू कैन सी विद अ वेरी कोजी बाथटब इन देयर,
और अलग से स्टैंडिंग वॉशिंग आपका बाथिंग एरिया अलग से है इसमें, जो कि बहुत कम जगह पे आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ बाथटब ही होता है और उसी में खड़े होकर नहाने का ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडिंग भी है, बाथटब भी है, उसके बाद में भी इतना ओपन एरिया मिल गया। फुली लाइटेड हाउस, हर जगह आपको यहाँ पे विंडोज दिख रही होगी, और ये है द सीक्रेट विच इज़ द मास्टर बेडरूम। फुली एनसूट बेडरूम विथ क्लोजेट्स, फुल ऑफ क्लोजेट्स, फुल ऑफ स्टोरेज, एंड ऑल टू साइड्स ओपन, जिससे अगेन आपका मास्टर बेडरूम जो है वो एकदम एनलाइटेंड रहेगा। राइट साइड पे यू विल गेट अ फीलिंग ऑफ एन ओपन डूम, ट्रिपल हाइटेड, और बहुत ही एक अच्छी स्पेशियस बालकनी दी गई है, टेरेस एरिया। ओके, एंड इफ यू कैन कम तो आप देखेंगे कि ये जितनी दिख रही है उससे तीन गुना है, इतनी बड़ी बालकनी है। ये 20 एकड़ में तो पार्क ही बना होगा इसमें। हाँ सर, ये टोटल डमैकल्स 2 जो है वो 55,000 स्क्वायर फीट की कम्युनिटी है विद एन पर्सनल प्राइवेट लगून, जो आप देख सकते हैं कि व्यू आपको पूरा लगून का व्यू यहाँ से मिल रहा है। ये एक लगून है जो यहाँ से शुरू हो रहा है और पूरे डमैक हिल्स में राउंड कर रहा है। इट्स नॉट अ स्मॉल स्विमिंग पूल, इट इज़ एन वेरी वेरी बिग लगून, इसको हम स्विमिंग पूल नहीं लगून कहते हैं यहाँ पे। एंड यू कैन सी कि ये कहाँ तक जा रहा है, और ये जाता ही जा रहा है, आपको जहाँ दिख रहा है वहाँ ये ख़त्म नहीं हो रहा है, वहाँ से रास्ता बदल रहा है और दूसरे वाले क्लस्टर में जा रहा है।